कार्तिक मास कृष्ण पक्ष को चतुर्थी तिथि में महिलाओं का अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ मनाया जाता है। इस व्रत में सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती हैं अपने पति के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से। महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और चतुर्थी तिथि में चंद्रमा को पूजन के साथ अर्घ प्रदान करती हैं और इसके बाद अपने व्रत को तोड़ती हैं। इससे उनके पति दीर्घायु होते हैं। भारतीय महिलाएं यह चाहती हैं कि जब भी उनकी मृत्यु हो, स्वर्ग की प्राप्ति उनको हो, तब पति के सामने हो। इसी कामना से करवा चौथ की व्रत महिलाएं रखती हैं। चूंकि किसी भी व्रत पर्व में तिथि का अपना विशेष महत्व होता है, यही स्थिति शनिवार 27 अक्टूबर 2018 को भी है। शनिवार को रात्रि 7:58 तक कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि ही है, इसके बाद चतुर्थी तिथि लग रही है। तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि करवा चौथ का व्रत जो महिलाएं हैं वह चंद्रमा को अर्घ देती हैं या पूजन करती हैं तो चतुर्थी तिथि में करें, यानी शनिवार को रात्रि 7:58 के बाद। यह संयोग है कि चंद्रोदय रात्रि 7:37 पर ही हो जाएगा, लेकिन हड़बड़ी में महिलाएं तुरंत पूजन शुरू ना करें, थोड़ा इंतजार कर लें कि चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाए। और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी रात्रि 7:58 से, और चंद्रोदय हो रहा है रात्रि 7:37 पर ही। तो यह खास समय रहेगा जब महिलाएं ध्यान दें कि चंद्रोदय होने पर तुरंत पूजन शुरू ना करें और चंद्रमा को अर्घ ना दे दें। जब भी चंद्रमा की पूजन करें और अर्घ दें तो रात्रि 7:58 के बाद।